किसान विजय सम्मान दिवस के अंदर हमारे बीच में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी और उस परिवर्तन की नींव आज हम मजबूती से रखने का काम कर रहे हैं। बहुत से साथी बदलाव की बात करते हैं, मैं तो आपको बताना चाहूंगा राजस्थान में घूमकर इस कांग्रेस सरकार ने किस तरह राजस्थान को लूटा है, पीटा है, किस तरीके से युवा के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। आज उसके अंदर हमें बदलाव चाहिए और मैं यह आपको बताना चाहूंगा, मैं कल राजस्थान में गहलोत साहब के करे हुए परिवर्तनों की लिस्ट देख रहा था तो उस परिवर्तन में एक आया कि हजारों करोड़ रुपया गुलाबी रंग के इश्तियारों में लगा दिया, अखबार ये होर्डिंग साइट भर दिए और लिखा हुआ था मिशन 2030। साथियों 30 तो घड़ा दूर है, इस बार तो हम मिलकर 23 में ही घेरने का काम करेंगे। आज राजस्थान में अपराध इतना है, पूरे देश भर के अंदर पिछले दिनों हमने देखा कि किस तरीके से महिलाओं के साथ बर्बरता राजस्थान की धरा पर देखने को मिली। यहां युवा के नाम पर कैसे बाबू पैसा लूट रहे हैं। एक स्कीम चलाई गई युवा स्कॉलरशिप स्कीम, उस स्कीम के अंदर 50 युवाओं को विदेश पढ़ने को भेजा गया और 50 युवाओं में 48 युवा किसी ना किसी अधिकारी के बच्चे थे। साथियों आज माइनिंग माफिया राजस्थान का इतना हावी है कि राजस्थान के रेवेन्यू को तो लूटा जा रहा है पर इनका भय भी निकल गया, आम जन को भी गाड़ी से रौंदने का काम किया जाता है। साथियों पेपर लीक की जब बात आती है, राजस्थान के अंदर 13 महीनों में गहलोत सरकार ने 17 पेपर लीक करवाने का काम किया और उस पेपर को कैंसल नहीं किया, अपने चुनिंदे चाहे हुए लोगों को नौकरी पे बैठाया और ये रिकॉर्ड में आया कि एक सब डिवीजन से 200 सब इंस्पेक्टर लगे, एक ब्लॉक से 100 लगे और एक घर से 3 लगाने का काम किया। इस तरह का भ्रष्टाचार अब राजस्थान की जनता सहने का काम नहीं करेगी। और साथियों इसलिए आपसे आग्रह करूंगा कि अब मुहिम बनाकर घर घर जाकर ज्यादा से ज्यादा साथियों तक चौधरी देवीलाल की उस सोच को दोबारा पहुंचाने का काम करो, मजबूती देने का काम करो कि राजस्थान के परिवर्तन की नींव जननायक जनता पार्टी की चाबी उस ताला विधानसभा को खोल कर रखने का काम करे। जेजेपी पार्टी जिंदाबाद। जेजेपी लाइनें भेजी वो आप तक पढ़ना चाहूंगा, स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के बारे में थी कि प्रधानमंत्री नहीं उन्हें ताऊ कहलवाना पसंद था, काजू पुस्ते पिस्ते नहीं उनको मतीरे खाना पसंद था, ड्राइंग रूम की राजनीति नहीं उन्हें चारपाई पे सो जाना पसंद था, युवाओं को कार्यकर्ता नहीं नेता बनाना पसंद था, जाति धर्म गरीब अमीर का भेद मिटाना पसंद था, उन्हें सरकार को गांव तक लाना पसंद था,
राजस्थान को भी वो इतना प्यार करते थे जितना उन्हें हरियाणा पसंद था। चौधरी देवीलाल अमर रहे, चौधरी देवीलाल अमर। मैं तो एक चीज कह सकता हूं, 4 साल होने को हो गए हरियाणा प्रदेश की सरकार में आपकी पार्टी की हिस्सेदारी को, और यारी प्यारी रिश्तेदारियों में पूछो तो पता चलेगा कैसे हरियाणा में बदलाव आया। आज ही के दिन पिछले साल दादरी की धरा पर चौधरी देवीलाल जी का हमने स्टैचू लगाया, सम्मान दिवस बनाया, और एक घोषणा डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने करी थी, और वो घोषणा थी कि 109वें जन्म दिवस पर पार्टी 109 डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करने का काम करेगी। और आज मैं खुशी के साथ कह सकता हूं कि हमने 123 डिजिटल लाइब्रेरी हरियाणा के अंदर और 3 राजस्थान के अंदर स्थापित करने का काम किया है। और राजस्थान के अंदर ये संकल्प हम लेकर गए थे, और आज इस मंच से आप सबसे भी आग्रह करूंगा कि ये संकल्प लेकर जाओ कि ग्रामीण अंचल में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अब राजस्थान के अंदर भी इस मुहिम को आगे लेकर बढ़ेंगे कि जहां देवालय वहां पुस्तकालय, जहां देवालय जहां देवालय। धोखा कि पावन धरा पर चौधरी देवीलाल जी के नाम पर डिजिटल लाइब्रेरी बनाई, और उस डिजिटल लाइब्रेरी से पढ़ने वाले 3 बच्चे पीछे मास्टर लगे। खरनाल वीर तेजा जी की पावन धरा पर डिजिटल लाइब्रेरी बनाई, और खरनाल की पावन धरा पर आज 2 बच्चों को नौकरी का अवसर मिला। और इस मुहिम को आप विश्वास के साथ रखना, जिस दिन राजस्थान में सरकार में आपकी हिस्सेदारी होगी उस दिन राजस्थान के हर गांव पंचायत तक डिजिटल लाइब्रेरी की मुहिम को मजबूती से हम ले जाने का काम करेंगे। साथियों, युवा परिवर्तन की डोर, उस युवा को सशक्त बनाने के लिए हम एक मुहिम लेकर आगे बढ़े थे कि रोजगार मेरा अधिकार। उस रोजगार मेरा अधिकार में हरियाणा इकलौता राज्य बना जिसने हर प्राइवेट सेक्टर की नौकरी हो, चाहे कंपनी हो, ट्रस्ट हो, सोसाइटी हो, पार्टनरशिप कंपनी हो, हर एक के अंदर 75% हरियाणा के निवासियों के लिए हमने आरक्षण बनाने का नौकरियों में काम किया। और ये विश्वास के साथ कह देता हूं, जिस दिन राजस्थान विधानसभा का ताला खुलेगा, राजस्थान की नौकरियों में भी राजस्थान के युवाओं का 75% अधिकार हम लाने का काम करेंगे। दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद, दुष्यंत तुम आगे बढ़ो। साथियों, हमने हरियाणा में एक और परिवर्तन लाने का काम किया कि आज हमारे युवाओं को विदेश में नौकरियों के अवसर मिलते हैं, मगर उस अवसर के लिए कोई भी कोई विभाग नहीं बनाया जाता। सरकार बनने के बाद हरियाणा में हमने एक विभाग बनाया, फॉरेन कॉरपोरेशन डिपार्टमेंट, और उसके माध्यम से जितने हमारे यहाँ दूतावास है उनसे संपर्क कर युवाओं की स्किलिंग बढ़वाई, और स्किलिंग बढ़वाकर उनको युवाओं को एम्बेसीज के माध्यम से कि जिस दिन राजस्थान की विधानसभा में आपकी हिस्सेदारी होगी फॉरेन कॉरपोरेशन डिपार्टमेंट राजस्थान के युवाओं के लिए भी हम सरकार में बनाने का काम करेंगे। दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद। साथियों, महिलाओं के लिए शीला बयान जी यहां है, इनकी टीम ने एक मुहिम चलाई कि हमने महिलाओं को पंचायती राज में हिस्सेदारी देनी है। हरियाणा प्रदेश में हमने कानूनी प्रावधान कर हर दूसरी कुर्सी, चाहे वो पंच हो, सरपंच हो, ब्लॉक समिति हो, जिला परिषद हो, जिला प्रमुख हो, ब्लॉक प्रमुख हो, हर दूसरी कुर्सी
महिला के लिए आरक्षित करने का काम किया। राशन डिपो में जहां पुरुष प्रधान देश हम बोलते हैं, महिलाओं के पास 5% हिस्सेदारी भी नहीं थी, राशन डिपो में कानून प्रदान कर महिलाओं के अंदर भी जब मौका मिलेगा राशन डिपो में 33% महिलाओं का सम्मान हम सुनिश्चित करने का काम करेंगे। दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद। साथियों, पिछले दिनों जयपुर से नागौर जा रहा था तो बीच में मैंने देखा फौजियों की बहुत अकेडमी थी और फौजियों को उन अकेडमीज में अफसर बनने के लिए ट्रेन नहीं किया जाता। आम गांव का युवा ये चाहता है कि मैं सिपाही भर्ती हो जाऊं, बीएसएफ में चला जाऊं, सीआरपीएफ में चला जाऊं, ज्यादा अफसर मिले तो राजस्थान पुलिस में चला जाऊं। साथियों, हम एक मुहिम अभी हरियाणा में लेकर आगे बढ़ रहे हैं और मैं राजस्थान के लिए भी कहना चाहूंगा, ये अपने छोरों को सिपाही भर्ती करने जोगा मत छोड़ो, अगर बनाना है तो उसको एनडीए में भेजने लायक अफसर बनाने का काम करो। और उसके लिए जिस दिन ताड़ा विधानसभा का खुलेगा, साथियों मैं आज कह के जाता हूं, राजस्थान में 4 बड़ी ऑफिसर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोलने का काम करेंगे। दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद। और इतने छोटे इंस्टीट्यूट नहीं, ये मैं आ रहा था, शेखावटी यूनिवर्सिटी है, इन यूनिवर्सिटियों जितने बड़े बड़े कि हमारा बच्चा 10वीं के बाद उस अफसर की तैयारी में जुटे और 12वीं कर जब सीएडी एग्जाम हो आर्मी का यूपीएससी में, वहां कर्नल मेजर जनरल ब्रिगेडियर रिटायर हो, ना कि नायब और सिपाही रिटायर हो। साथियों, इस परिवर्तन में आपका साथ चाहिए। मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, राजस्थान में आदिवासी इलाका भी है, केंद्र सरकार को भी मैं जल्द पत्र लिखने वाला हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलकर भी उनसे आग्रह करूंगा कि नॉर्थ ईस्ट के भाइयों के लिए बहनों के लिए तो नॉर्थ ईस्ट ट्राइबल बोर्ड बना दिया, मैं राजस्थान और गुजरात के हमारे जो ट्राइबल इलाके के लोग हैं, केंद्र सरकार इस पे भी नीति बनाकर